केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे साथ है, बात करते हैं। अमित शाह जी, आज जो आपने प्रचार में कहा है कि डबल इंजन की सरकार फिर से दोबारा चाहिए, आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार आने जा रही है? जी, निश्चित रूप से यहाँ डबल इंजन सरकार बनने जा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार आसाम में हमारी सरकार बनने जा रही है। श्री सर्वानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्व शर्मा की जोड़ी ने आसाम को विकास के रास्ते पर बहुत आगे ले जाने का काम किया है। और यहाँ पर एक जमाने में आतंकवाद होता था, कर्फ्यू होता था, गोलीबारी होती थी, लोग मरते थे, घुसपैठ होती थी, ये सारी चीजों पर नकेल कसकर आज लगभग आतंकवाद नेस्त नाबूद हो गया। 2000 से ज्यादा आतंकवादियों ने सरेंडर किया है। बोडोलैंड का समझौता हो चुका है और डिफू में भी हमारा समझौता हो चुका है, उन्होंने शस्त्र तो डाल ही दिए। तो कुल मिलाकर आसाम के अंदर शांति रही है और 5 साल में आसाम का विकास भी बहुत हुआ। इस बजट के अंदर ही 56,000 करोड़ रुपये 56,000 करोड़ रुपीज मोदी जी ने आसाम के लिए देने का काम किया है। आप चुनावों को बहुत करीब से भांप लेते हैं कि क्या होने जा रहा है। कांग्रेस ने इस बार गठबंधन किया है बदरुद्दीन अजमल के साथ, आपको लगता है कि उनके बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे? कांग्रेस हारने के सबसे बड़े कारण में अगर कोई कारण रहने वाला है तो बदरुद्दीन से गठजोड़। मुझे एक बात आप बताइए भला, बदरुद्दीन को गोदी में बिठाकर आप घुसपैठ रोक सकते हो क्या? आतंकवाद रोक सकते हो क्या? यही कांग्रेस पार्टी की है जिसके मुख्यमंत्री ने कहा था कि हु इज बदरुद्दीन, और आज वही कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए बदरुद्दीन की गोदी में बैठी हुई। राहुल गांधी आए थे अभी 3 दिन पहले, उन्होंने कहा कि हम जब सरकार में आएंगे तो CAA खत्म कर देंगे, नहीं आने देंगे, विधानसभा में पारित कराएंगे। और प्रियंका गांधी जा रही हैं चाय बगानों में और कह रही हैं कि हम आपका वेजेज बढ़ा देंगे। दो तरह की बात चल रही है, क्या आप मानते हैं? नहीं, दो तरह की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। वो दिल्ली में कहते हैं कि NRC नहीं चाहिए, हिम्मत है तो आसाम में बोल दे जरा कि NRC नहीं करेंगे। क्यों राहुल गांधी चुप हो जाते? और प्रियंका गांधी जी के लिए पर्यटन है, हम रिलीजियसली चाय बागान के श्रमिकों के लिए 5 साल काम किए थे।